हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. आई एम डॉक्टर सोनिया तिवारी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, अरविंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर. सो अगेन वी हैव कम टू एन एंड फॉर द प्रैक्टिकल्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटीसेप्सिस एंड डिसइंफेक्शन रिलेटेड स्पॉट्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द टेक्स्ट बुक ऑफ मास्टरिंग प्रैक्टिकल्स इन कम्युनिटी मेडिसिन रिटन बाय डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी एंड डॉक्टर शशांक तिवारी. What is the antiseptic? It is a substance that destroys or inhibits the growth of microorganisms. ठीक है, जो growth of microorganisms को inhibit करेगा, that is antisepsis. Okay, antisepsis. It is suitable for application on the living tissues. Living tissues पे भी ये काम करता है. Now define antisepsis. Antisepsis क्या हो जाएगा? वो process हो जाएगा for the destruction or inhibition of microorganism in or any living tissue. Antiseptic मतलब तो substance हो गया, और antisepsis मतलब क्या हो गया? Process हो गया. ठीक है, ये आपको शायद आया होगा समझ में. ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कि what is disinfectant and what is the disinfection. तो disinfectant क्या होगा? ये भी एक substance होगा. ठीक है, it destroys the harmful microbes. It is applicable to inanimate objects where spores are usually not destroyed. What do you understand by disinfection? Disinfection involves killing of infectious agent outside the body by exposure to either chemical और फिजिकल एजेंट. हैंस डिस इन्फेक्शन इज रिडक्शन इन द लोड ऑफ पैथोजन्स. ठीक है, एंटीसेप्सिस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इनिबिट कर रहे थे. ठीक है, और जो डिस इन्फेक्शन है इसमें हम लोग किल कर रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट आउटसाइड द बॉडी बाय एक्सपोजर टू आइदर केमिकल और फिजिकल एजेंट्स. ठीक है, what do you mean by disterilization? How it is different from the disinfection? Sterilization is the process used to render a product free from viable organism. अब sterilization मतलब क्या हो गया? कि एक product हम लोग generate करेंगे, या जो एक old product था उसको हम लोग free from microorganisms करेंगे. ठीक है, free from viable microorganism, including the bacterial spores. Hence, it is the procedure of destroying all life, including the spores. Disinfection, on the other hand, remove the pathogens or lead only to a reduction in the bioload of disease causing microorganism. Antisepsis growth of microorganism ko kam karega, disinfectant microorganism ko destroy karega, aur jo sterilization hai ye ek aapko product dega jo ki free from microorganisms hoga. Theek hai, aise hi hum log baat karte hain what is a detergent. It is a substance that act as a surface cleaning agent. It does so by lowering the surface tension, thereby emulsifying oils and hold dirt in the suspension. ठीक है, अब पहला स्पॉट वही है, सोप है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं. फॉर वॉट पर्पज इट इज यूज? इट इज यूज फॉर डिटर्जेंट पर्पसेस. ठीक है, इट इज अ सर्फेस एक्टिंग एजेंट. हाउ डज इट एक्ट? इट एक्ट बाय लोअरिंग द सर्फेस टेंशन एंड emulsifying the dirt and holding it in suspension. Uses cleaning the skin, hand washing, cleaning the dog bite wounds and for enema. ठीक है, फिर अगला स्पॉट है क्रूड फिनॉल. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. What is the chemical name? Pure phenol is a carbolic acid. Crude phenol, which is commonly used form, is a mixture of phenol, मतलब carbolic acid and cresol. ठीक है, प्योर फिनॉल की बात करेंगे तो वो सिर्फ हमारा कार्बोलिक एसिड होता है, लेकिन क्रूड फिनॉल हम लोग जो स्पॉट पढ़ रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ कार्बोलिक एसिड और क्रिसॉल होता है. हाउ डू यू डिसइंफेक्ट कॉलेरा स्टूल? कॉलेरा स्टूल इज अ डिसइंफेक्टेड बाय पुटिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ 10% क्रूड फिनॉल और 10% फॉर्मलिन ओवर इट एंड देन अलाउइंग अ डिसइंफेक्टेंट टू एक्ट फॉर 1 to 2 hours. ठीक है, कॉलरा स्टूल को 10% क्रूड फिनॉल ऐड करके हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं. व्हाट इज केमिकल कॉटरी एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक? ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा. व्हाट इज केमिकल कॉटरी? यूजिंग कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनॉल और एनी अदर केमिकल टू कॉटराइज अ स्किन वॉट अनहेल्दी ग्रैन्युलेशन, इट इज कॉल्ड केमिकल कॉटरी. जब हम कार्बोलिक एसिड या फिनॉल का यूज करके किसी भी स्किन वॉट को
या ग्रैनुलेशन को हम लोग कॉटराइज करते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल कॉटरी, क्योंकि हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट्स मेन ड्रॉबैक इज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिसाइसली कंट्रोल अमाउंट ऑफ केमिकल अप्लाइड ऑन लीजन, कितना क्या ज़्यादा गिर जाए कम गिर जाए, ठीक है, अमाउंट जो है हम उसको कंट्रोल कई बार नहीं कर पाते हैं। वॉट इज रिडल वॉकर कोफिशियंट? द रिडल वॉकर कोफिशियंट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेटिव जर्मिसाइडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मिसाइडल वैल्यू जब हम डिसइंफेक्टेंट की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडल वॉकर कोफिशियंट, ठीक है। कार्बोलिक एसिड इज द स्टैंडर्ड टू विच द डिसइंफेक्टिंग पावर ऑफ वेरियस जर्मिसाइड इज रेफर्ड। सेल्मोनेला टाइफी इज यूज एज द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। रिडल वॉकर कोफिशियंट ऑफ 10 मीन्स द डिसइंफेक्शन इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिडल वॉकर कोफिशियंट या RWC की हम लोग बात करते हैं तो ये बताता है हमको जर्मिसाइडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ क्रूड फिनॉल? ये हमने बात कर ली, क्रिसॉल प्लस फिनॉल। अगेंस्ट विच ऑर्गेनिज्म आर दे इफेक्टिव? दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म। देन वॉट कॉन्सेंट्रेशन डू यू यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग फीसेस? 10% स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखो इधर डिटॉल है, टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स? तो इट बिलोंग्स टू फिनॉल रिलेटेड कंपाउंड। वॉट इज द केमिकल नेम? क्लोरोक्सिलिनॉल। इस नाम से भी डिटॉल मिलता है तो पता तो होना चाहिए कि क्या ले रहे हैं। वाई इज इट यूज इन द हॉस्पिटल? फॉर डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लास्टिक इक्विपमेंट। वॉट स्ट्रेंथ इट इज यूज? 5% डिटॉल इज सूटेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्लास्टिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड इज 15 मिनट्स। हाउ डू यू डिसइंफेक्ट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूज? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिसइंफेक्टेड बाय डिपिंग इट इन द सोल्यूशन ऑफ 1 part सेवलॉन एंड 6 parts ऑफ स्पिरिट फॉर 3 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई पूछ सकता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिप करना है, सोल्यूशन ऑफ 1 part सेवलॉन रहेगा और 6 parts क्या रहेगा? स्पिरिट रहेगा फॉर 3 मिनट्स। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लाइम और स्लेक लाइम, ठीक है। वॉट इज इट्स यूज फॉर? तो इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट। वॉट इज इट्स एक्वस सोल्यूशन नोन एज? मिल्क ऑफ लाइम। इट इज 10% to 20% ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ लाइम। हाउ डू यू डिसइंफेक्ट कॉलरा स्टूल इन द रूरल एरिया बाई यूजिंग इट? कॉलरा स्टूल इन द रूरल एरिया इज डिसइंफेक्टेड बाई मिक्सिंग 2 volume ऑफ मिल्क ऑफ लाइम एंड 1 volume ऑफ फीसेस, अलाउइंग इट टू स्टैंड फॉर 2 hours, ठीक है। वॉट आर इट्स अदर यूजेस? वाइट वॉश के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि डिसइंफेक्ट करता है वॉल्स को। फिर नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। वॉट इज इट्स यूज फॉर? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, फीसेज, यूरिन एज अ डिओड्रेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इट डिसइंफेक्ट्स बाय इमिटिंग क्लोरीन। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस एज अ डिसइंफेक्टेंट? तो रिलेटिवली चीप होता है, डिसइंफेक्शन रैपिड होता है। ड्रॉबैक्स? इट इज अनसूटेबल कंपाउंड एंड लूजेज इट्स क्लोरीन कंटेंट ऑन स्टोरेज। एक्शन इज ब्रीफ। Recommended level of residual chlorine 0.5 milligram per liter for 1 hour. How will you test for residual chlorine? किससे करते हैं? हम देख चुके हैं ऑर्थोटोल्यूडीन आर्सीनेट टेस्ट से देख चुके हैं और इन्वायरमेंट के स्पॉट्स में हमने इसको कवर भी किया है। Which type of disinfection is chlorination of drinking water? So prickrent, precrent or prophylactic disinfection. It means that the disinfection is done as a preventive measure. It is in contrast to concurrent disinfection which is done while a person is ill. Another example of precrent disinfection is pasteurization of milk. Phir next hai povidine iodine. Which group it belongs? To iodophore, iodine group ko belong karta hai. What, why, where is it commonly used? So it is commonly used as a skin antiseptic की तरह काम करता है povidine iodine, before surgery या फिर wounds पे भी हम इसको apply करते हैं, ठीक है, चोट लगने पे। Advantage of using halogen as a disinfectant agent. Halogens are actively bactericidal होते हैं, they are the only usable antiseptics with a sporicidal action. What are its advantage over the alcoholic solution of iodine? It does not irritate the skin unlike the iodine solution.
It does not stain the skin, whereas the iodine solution does. फिर है हमारा इथाइल अल्कोहल. In what concentration it is most effective? 70% strength. Is it effective against the spores? No. What is the drawback? It has no action against the spore. It is inflammable, hence used for small article. Its activity disappears soon as the alcohol dries off. ठीक है. फिर next है हमारा सेवलॉन. What is the combination? तो सिटावलॉन एंड हिबिटेन. सिटावलॉन एंड हिबिटेन इज द कॉम्बिनेशन इन द सेवलॉन. ठीक है. टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू? क्वार्टरनरी अमोनिया कंपाउंड्स. फिर वॉट इज इट्स यूज फॉर? डिसइनफेक्टिंग. देन प्लास्टिक अप्लायंसेज सच एज लिपिज लूप, क्लिनिकल थर्मोमीटर. वॉट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड? तो कॉन्टैक्ट पीरियड वही है. द मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर लिपिज लूप के लिए 20 मिनट है और थर्मोमीटर के लिए 3 मिनट्स है. ठीक है. फिर लास्ट है हमारा फॉर्मलिन. तो फॉर्मलिन का जो है वो आपको उसमें एनाटॉमी में जो यूज़ करते हैं ना, वही वाला है. टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू? तो फॉर्मल्डिहाइड. स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 2-3% कंसंट्रेशन. व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड? फॉर डिसइनफेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ऑर्गन्स. एडवांटेजेस क्या हैं? इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड एसिड फास्ट बेसलाय स्लोली. How will you disinfect the room, walls and furniture? Combination of 20-30 ml of 40% formalin in 1 liter of water is used for spraying the room, walls and furniture. Name some articles which are suitable for disinfection with the formaldehyde gas. So blankets, beds, books, other valuable items which cannot be boiled. ठीक है, इन सबको हम लोग इससे disinfect कर सकते हैं. प्लीज़ गो थ्रू दी स्पॉट्स वन. ठीक है. और यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ये क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज है, दैट्स वाई आई एम नॉट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. एंड यू कैन गो थ्रू इट. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन ऑलवेज आस्क. योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. एंड एट द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट. Thank you. Have a nice day.